नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेन्द्र। विगत 60 वर्षों से अधिक समय से कार्तिक पूर्णमासी के दिन ललितपुर की जैन धर्म के विमान उत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होता है। सभी जिनेलों से भगवान को लेकर हम श्री अभिनंदनय क्षेत्रपाल जी लेकर जाते हैं। आज वास्तव में भगवान का जल विहार, आज ऊपर इंद्र देवताओं ने अपने जल के माध्यम से भगवान का अभिषेक किया है। और ये सभी विमान उत्सव में जैन और जैनेतर समाज बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। आप देखिए, ये अपार जन समूह, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सभी आज इतने खुश हैं। पूरा शहर खुशहाली के माहौल में है। आज हम अपने भगवानों को लेकर श्री अभिनंदनय क्षेत्र, अद्भुत नजारा, पूरा ललितपुर आज धर्ममय है। जैन और जैनेतर सभी समाज मिलकर आज जो श्री जी की भव्य शोभा यात्रा निकल रही है, उसका आज बहुमान कर रही है पूरी ललितपुर धर्ममय के माहौल से। और ये देखिए, यहाँ से लेकर जहाँ तक निकाली जा रही है, वहाँ पूरे में अपार समूह समाज आप देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन अपना पूरा सहयोग दे रही है, पूरा यातायात नियंत्रण करने में, सुरक्षा व्यवस्था करने में आज हमारा पुलिस महकमा पूरा सहयोग दे रही है। और हमेशा पुलिस प्रशासन ने हमारा सहयोग किया है और समन्वय पूरी समाज में बनी रहती है। और आप देख रहे हैं ये नज़ारा, अद्भुत नज़ारा, आज ललितपुर की पावन धरा पर सभी देवालयों से ललितपुर के चिन्हबिंब आज भगवान का अभिषेक श्री अभिनंदनय क्षेत्र में। ललितपुर गौरव, श्री पवन जी पंडित जी। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक इस स्वर्णिम श्री जी की भव्य शोभा यात्रा, जिसमें की हरिदासों की संख्या में सहधर्मी भाई बहन पूज्य आचार्य श्री विनम सागर जी महाराज के सत्संग निर्देशन में एवं कल्पत्र महामन अभियान 25 संवत्सरण के समापन बेला में भगवान महावीर स्वामी के 2550वें स्वर्ण निर्वाण महोत्सव की बेला में ऐतिहासिक सिद्धि की यात्रा जिस शासन की प्रभावना में बहुमूल्य योगदान प्रदान करती है। मैं अपने जीवन में 87 के बाद इस ऐतिहासिक यात्रा को देख करके अपने जीवन को सफल बनाता हूँ और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि जिस शासन की ऐतिहासिक प्रभावना करने के लिए हम सभी मन वचन काय से तन मन से सहयोग करके अपना योगदान प्रदान करें। सादर जय जय। हम आपको दिखा रहे हैं जो महिला मंडल भक्ति नृत्य, डांडिया नृत्य करते हुए कितनी मनोरम प्रस्तुति के साथ यहाँ पर प्रभु की भक्ति में लीन है और नृत्य करते हुए चल रहे हैं। विभिन्न महिला मंडल आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भक्ति नृत्य के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और यह महिला मंडल की अभूतपूर्व प्रस्तुति आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं यह दृश्य महिला मंडल के द्वारा बड़ा ही सुंदर डांडिया नृत्य किया जा रहा है और यह कार्यक्रम की शोभा के लिए बढ़ा रही हैं। महिला मंडल डांडिया नृत्य करके इस अभूतपूर्व धर्म प्रभावना के लिए करती जा रही हैं और यह भव्य जुलूस तुवन मंदिर प्रांगण के समीप पहुंच चुका है और आगे अभिनंदनोदय तीर्थ पर भव्य श्री जी की शोभा यात्रा पहुंचेगी। वहां पर श्री जी की महाआरती भी की जाएगी। पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर बुंदेली परंपरागत राइस। आज ललितपुर में एक ऐतिहासिक विमान उत्सव कार्यक्रम दिगंबर जैन पंचायत समिति के तत्वाधान में यहाँ पर आज हम सब लोग मना रहे हैं, जिसमें सभी जैन मंदिरों के भगवान यहाँ पर एक शोभा यात्रा के रूप में यहाँ पर अटा मंदिर जी से क्षेत्रपाल तक लेके हम लोग जा रहे हैं। ऐतिहासिक क्षण है और इस क्षण में हम सभी उसके साक्षी बने हैं कि एक ऐतिहासिक यहाँ पर एक विमान उत्सव ललितपुर जैन समाज के द्वारा यहाँ पर जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ यहाँ पर है। हजारों महिलाएं यहाँ पर अपने अपने अलग अलग
वेश में यहाँ पर अपने कार्यक्रम को कर रही हैं। प्रदेश में सभी जैन बंधु जैनेतर समाज के लोग सभी ड्रेस में टोपी सिर पर लगाकर इस यात्रा में शामिल हैं। निश्चित ही एक बहुत धार्मिक प्रभावना का यह कार्यक्रम है और हम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की ओर से पूरी जैन समाज के लिए और जैनेतर समाज के लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं। नगर गौरव संगीतकार जिनेंद्र जी, आप उनसे सुनते हैं विमान जी के उत्सव पर भक्ति गीत। दर्श देना महावीर स्वामी, दर्श देना महावीर स्वामी, दर्श देना महावीर स्वामी, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। दर्श देना महावीर स्वामी, तमन्ना यही है हमारे साथ जुड़े हैं निर्माण कमेटी के प्रमुख दादा कोमल जी और भाजपा वरिष्ठ नेता अजय जी, साइकिल जानते हैं उनसे विमान जी के बारे में। भगवान आदिनाथ भगवान की रथयात्रा महोत्सव का वार्षिक आयोजन कार्तिक पूर्णमासी को किया जा रहा है। यह विधिवत आयोजन इसमें आज ललितपुर जनपद के पूरे जन समाज के युवा युवतियाँ बुजुर्ग बच्चे सभी लोग अपना योगदान करते हैं। पहले रथयात्रा विदर्भ से निकली जा रही थी, आज मानव के द्वारा रथयात्रा निकाली जा रही है। तीन विमान जिसे कि पूरे जनमानस अपने हाथों में लेकर आ रहा है, लोगों में बड़ा उत्साह है। आज हम भगवान आदिनाथ की रथ यात्रा का हृदय से अभिनंदन वंदन करते हैं, हर जगह नृत्य हो रहे हैं, बहुत खुशियाँ हैं। आज हम इस पावन पर सभी को शुभकामनाएं देते हैं, आप सभी के हृदय से धन्यवाद, जय जिनेंद्र। आज का ये हर्ष और उल्लास देखते ही बनता है, ये वार्षिक विमान महोत्सव इतना हर्ष उल्लास से गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। हम सभी पूरी जैन समाज के लिए धन्यवाद देते हैं इस ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों आयोजन के लिए। हाँ, संपूर्ण जैन समाज के सभी दिगंबर जैन मंदिरों के और अन्य संप्रदायों के अन्य समुदाय के जितने भी मंदिर हैं सभी से श्री जी विहार करके क्षेत्रपाल जी मंदिर में विमानों और रथोत्सव के माध्यम से जाते हैं। संपूर्ण समाज का इस कार्यक्रम में बड़ा सहयोग रहता है और नगर में उत्साह है और नगर की शोभा देखते ही बनती है। और हम सभी प्रतिवर्ष कार्तिक पदी अमावस्या के दिन विमान का प्रति वर्षानुसार जैन समाज का ये वार्षिक विमानोत्सव प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णमासी के दिन निकलता है और आज जो विमान जी निकल रहे हैं ऊपर से इंद्र भी हर्षित हैं जिन्होंने जलाभिषेक किया है श्री जी का। और जब भी श्री जी की शोभा यात्रा नगर में निकलती है जहाँ जहाँ तक श्री जी की दृष्टि जाती है वहाँ के सारे दुर्भिक्ष दुख दर्द दूर हो जाते हैं, ऐसा हम सब का मानना है और ऐसा होता भी है। जहाँ जहाँ तक श्री जी की दृष्टि जाती है चारों ओर
जितने भी दुर्भिक्ष और कष्ट हैं वो सब दूर हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए भगवान का वर्ष में एक बार पूरी समाज मनोयोग से विहार कराती है। दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति की ओर से और सकल जैन समाज की ओर से सभी का हृदय से हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं ये हमारे विमानोत्सव नित प्रतिवर्ष और भी उत्साह उल्लास के साथ निकलें, ऐसी आशा। सभी का पुनः एक बार हार्दिक वंदन और अभिनंदन। पूज्य उच्चारणाचार्य विनम सागर जी महाराज ससंग नगर में विराजमान हैं, उनकी वजह से अभूतपूर्व प्रभावना यहां पर हो रही है और ये विमानोत्सव भी अभूतपूर्व प्रभावना का अंग है। सभी को जय जिनेन्द्र। श्री दिगंबर जैन पंचायत समिति के पूर्व अध्यक्ष सम्मानित इंजीनियर अनिल जैन हृदय से स्वागत किया। विमानोत्सव में हमारे साथ जुड़े हैं नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि मुन्ना लाल जी जैन। आज विमानोत्सव पर जो नगर पालिका द्वारा सुंदर व्यवस्था की गई है सफाई की, उसका श्रेय आपको जाता है। अब जानते हैं विमानोत्सव की भव्यता के बारे में। जय जिनेन्द्र। आज इस महान पर्व पर जो विमानोत्सव हुआ है वह अत्यंत हर्ष का विषय है। नगर पालिका द्वारा भी पूरी व्यवस्थाएं की व्यवस्था की गई है और जो भी संभव हो सकता था प्रभु जी के चरणों में अर्पण किया है। यह प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक विमानोत्सव का कार्यक्रम है, इसके लिए मैं सभी नगरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ। जय श्री। सम्माननीय इंजीनियर अनिल जैन अंचल आपको खिलाएगा दिगंबर जैन समाज और उपाध्यक्ष राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा दलित के द्वारा आप सभी को भगवान शुभकामनाएं सभी जनपदवासियों को दी जा रही है। शिवाजी परिवार के सभी महिला मंडल और पुरुष वर्ग के द्वारा सभी को बहुत बहुत आज के पुनीत पावन अवसर की मंगल कामना अनुसार हृदय रूपी अभिनंदन और वंदन किया जा रहा है। आज के इस दिन के लिए मैं शिवाजी परिवार से अनुरोध करूंगा कि वो आए और दो मिनट की हाजिरी श्री जी के चरणों में लगा दें। मंडल दाडिया का कार्यक्रम कर रही है तो ये विद्या पूजा मंडल जो लाल साड़ी में है, विद्या पूजा मंडल हमारे महिला मंडल ये भी अपना गरबा और दाडिया प्रस्तुत कर रही है और ये क्रीम साड़ी में जो हमारी महिलाएं हैं वो भी हमारी गरबा नृत्य करते हुए जलूस की शोभा बढ़ा रही है। दिगंबर जैन महासमिति की सभी बहने और महिलाएं बहुत जोरदार इस कार्यक्रम में भाग ले रही है और अपनी भक्ति प्रदर्शित कर रही है। और हमारे बालिका मंडल भी
पीछे हमारे बालका मंडल पाठशाला परिवार, ये भी हमारे जलूस में बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। ये हमारी क्रीम साड़ी वाली जो दिगंबर जैन महासमिति है, नंदस नंदा संभाग, दिगंबर जैन महिला मंडल एवं ब्रह्मी सुंदरी संभाग, ये सारी बहनें हमारी सारी बहनें बहुत अच्छे से विमान उत्सव में कार्यक्रम में विमान उत्सव के कार्यक्रम में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ विमान उत्सव को, यह हमारा विमान उत्सव साल भर में एक बार आता है और हम सभी जैनी मिलकर इसको बहुत अच्छे से मनाते हैं और हमारी सारी बहनें भी बहुत अच्छे से इसको मनाते हैं। लोग लाइट मंदिर से आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है विमान उत्सव में। लाइट मंदिर से हम लोग पहले घंटा घर आते हैं अपना विमान जी लेकर, फिर यहाँ आते, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग को ऐसे लगता है कि साल में ये दिन बहुत अच्छा है, एक दिन मिलता है ये दिन। जोड़ाघाट संतार बहु जनावे जैन कला मिलन जैन मिलन आज हमारे वार्षिक विमानोत्सव है और सब बहुत अच्छे से निकल रहे हैं। ललितपुर का वार्षिक उत्सव देखकर मन प्रफुल्लित हो गया है। पावन दिवस पावन घड़ी, मन ये पावन हो गया देखकर वार्षिक उत्सव, मन प्रफुल्लित हो गया, मन धन्य जीवन हो गया। भगवान आज ललितपुर में इतना अच्छा लग रहा है, ललितपुर के विमान देखने लायक होते हैं। अभी तक कहीं के विमान ऐसे नहीं होते, पूरे ललितपुर के बारह मंदिरों के विमान एक साथ आते हैं क्षेत्रपाल जी, बहुत अच्छा लगता है। बताए कि हमारे वार्षिक विमान उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाले जा रहे हैं, इसी बार निकाले जाते हैं और हम सभी को आचार्य श्री का आशीर्वाद है, हम इस सभी उत्साह के साथ हम निकलते हुए चले जाते हैं। और आज हम लोग के विमान में सभी धर्माने आयु एक साथ सब मिलकर एक साथ भाग लेते हैं और सब एक साथ एक रंग में रंगते सब एक विहार के लिए जाते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे नगर में वार्षिक महोत्सव विमानोत्सव चल रहा है, उसी की श्रृंखला में हम सभी आज एकत्रित हुए हैं। इसमें वीतराग शासन ग्रुप जो हमारे माता जी महाराज जी के द्वारा बनाया गया है, उसमें हम सभी ने अपना सहयोग प्रदान किया है और आगे भी हमेशा करते रहेंगे। जय जी हमारे ललितपुर नगर में बहुत ही उत्साह विमानोत्सव निकल रहा है, श्री जी के विमान की भावना हो रही है। सभी जन बड़े हर्षोल्लास के साथ मना वार्षिक उत्सव हमारे यहाँ प्रति वर्ष होता है और हमारे यहाँ ये बहुत अच्छे मनोभावों से मनाया जाता है। सभी लोग इसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सभी को जय जिने। हमारे भगवान जी ने कहा है बहुत अच्छा लग रहा है, सबको आने का कष्ट हो की सारी महिलाएं आज इस विमान उत्सव में दांडिया करते हुए और अपनी भक्ति नृत्य करते हुए श्री जी की यात्रा में पूरी तरह अपनी भक्ति भाव से विभोर है। और हमारी डोड़ाघाट की चंद्र प्रभु महिला मंडल सारे नगरवासियों को हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन देती है। उनकी अध्यक्षा श्वेता जैन को मैं माइक सौंप रही हूँ कि वो कुछ अपना विचार रखे। हमारे लिए बहुत उल्लास का
विमान जी की शोभा यात्रा सुमन चौराहे से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। विमान जी की शोभा यात्रा आप देख रहे हैं कि विमान जी बड़ी भव्यता के साथ निकल रहे हैं और सभी लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक आरती कर रहे हैं। विमान जी की शोभा यात्रा में परम पूज्य उच्चारणाचार्य विनम्र सागर जी महाराज, परम पूज्य उच्चारणाचार्य विनम्र सागर जी महाराज जिनका कि ललितपुर में चातुर्मास हुआ और कार्तिक पूर्णिमा के वार्षिक विमानोत्सव पर वह अपनी सान्निध्यता प्रदान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं उन किस प्रकार से पूज्य आचार्य श्री पूरे संघ के साथ पूरे मुनिराज और सभी भक्ति पूर्वक पूज्य महाराज श्री को नमोस्तु करते हुए चल रहे हैं। पूज्य महाराज श्री के चरणों में सत सत नमन नव दीक्षार्थी मुनिराज भी चल रहे हैं। आरिका विमल श्री माताजी, विनय श्री माताजी अपने संघ के साथ शोभा यात्रा में चल रही हैं और उनके पीछे अब आप देख रहे हैं रजत रथ जो कि ललितपुर की शान है और बड़ी भव्यता के साथ बनाया गया हुआ है। पार्श्वनाथ अटा मंदिर जी से यह रथ यात्रा शुरू हुई है। सभी लोग अपने हाथों से इस रथ को खींचते हुए आगे बढ़ रहे हैं और पुण्य अर्जन कर रहे हैं। आप श्री जी को लेकर सभी लोग अपने हाथों से रथ खींचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने पुण्यशाली लोग हैं जो रथ खींच कर इस श्री जी को आगे बढ़ा रहे हैं और यह रथ और उसके पीछे आप देखें कि श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर और नया मंदिर जी का रथ जो अति प्राचीन रथ है और प्राचीन मंदिरों से यह रथ यात्रा शुरू हुई है। उसको भी मानव रथ के रूप में खींचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह देखिए श्रावक लोग किस प्रकार से आरती करके पुण्यार्जन कर रहे हैं और मानव रथ के रूप में इस प्राचीन मंदिर जो बड़ा मंदिर और नया मंदिर जी का रथ है उसको खींचकर बच्चे भी इसमें शोभा यात्रा में रथ में बैठकर पुण्यार्जन कर रहे हैं। तुम्हारे चरण में चढ़ा करके जाऊं, तुम्हारे चरण में चढ़ा करके जाऊं, भवानी मनोती सभी पा रहे हैं। नगर भ्रमण पर निकले हैं, हम लोगों की खुशी की समझ लीजिए अपार खुशी है कि समा नहीं रही कि ऊपर से अमृत वर्षा हुई भगवान के नगर भ्रमण में। और देखिए कि आज जनता कितनी खुश है और जब भगवान निकले तो अपने आप सूर्य नारायण ने भी दर्शन दे दिए खुशी में उनके दर्शन के लिए। बहुत बहुत सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप अपार खुशी है और ऐसे ही हमारी ये पूरी ब्राह्मी सुंदरी संभाग की सारे सदस्य इकाइयाँ इधर स्वागत में भगवान के खड़ी थी, इंतजार कर रही थी, धूमधाम से आरती की नृत्य किया। बहुत खुशी का दिन है कि हमारे ललितपुर के वार्षिक उत्सव में विमान जी पधारे हैं। सारे विमान हम लोगों के घर से ही निकले, बहुत खुशी होती है। साल में एक बार भगवान जब हमारे द्वार से आते हैं तो हम लोगों की खुशी की पारंपार नहीं। ऐसा ही देख रहे हैं सबके चेहरे पे ऐसी मुस्कान है, आनंद है और अभी भगवान का मंदिर में अभिषेक होगा तो देखिए और धूमधाम मचेगी, खुशी होगी। बहुत बहुत विमानोत्सव की शोभा यात्रा बरनी चौराहे पर पहुंची है। कितना खुश नौशा माहौल है कि जब विमान जी की शोभा यात्रा शुरू हुई थी तब धीमी धीमी बारिश का मौसम था और अब समापन की ओर सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं।
कितनी चौकस यहाँ पर व्यवस्था की गई है। पुलिस की वाहन डाइवर्ट करके विमान जी को यहाँ पर अभिनंदनों से तीर्थ ले जाया जा रहा है, जहाँ पर विमान जी का महामस्तकाभिषेक होगा। सभी विमान जी एक साथ विराजमान होकर उनका अभिषेक होगा और सायंकाल आरती का आयोजन होगा। बड़ी भक्ति और उत्साह के साथ यह विमान जी की शोभा यात्रा अभिनंदन तीर्थ पहुंच रही है और आप देख रहे हैं कि महिला मंडल की प्रस्तुति और राज सेरा की प्रस्तुति इतना सुंदर खुशनुमा मौसम है। सीजा धूप और छांव हमारे साथ जुड़े हैं। जय जिनेंद्र। राज का यह मनोरम दृश्य देख करके करके आज इस अनुपम छटा को बिखेर रहे हैं और इस आज भव्य की शोभा यात्रा श्री जी की भव्य शोभा यात्रा को लेकर के आए भव्य जलूस पहुंचा है अभिनंदनों ने सभी बड़ी चौराह पर जहाँ पर महिलाएं नृत्य करते हुए डांडिया नृत्य करते हुए चल रही हैं और आप देख रहे हैं यह मनोरम दृश्य आज के जैन समाज द्वारा आयोजित यह भव्य जुलूस यात्रा श्री जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसके साक्षी बने हैं हजारों नयन और जैन समाज के अध्यक्ष डॉक्टर अक्षय टड़ैया विमान जी की भव्य आरती के लिए देख रहे हैं बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ अपने इष्ट मित्रों के साथ लगे हुए हैं और भक्ति नृत्य कर रहे हैं। बच्चे कितने उत्साह के साथ विमान जी की शोभा यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, देख रहे हैं बच्चों का उत्साह। आज ललितपुर में एक हल्लोल्लास के साथ वार्षिक विमानोत्सव जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है उसका आयोजन किया जा रहा है। संपूर्ण समाज ने अपने प्रतिष्ठान को बंद कर आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से परम पूज्य आचार्य श्री विनम सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भव्य श्री जी की शोभा यात्रा वार्षिक विमानोत्सव का उत्सव किया जा रहा है, जिसमें पूरी समाज को एक बहुत ही उत्साह है। पूरे मंदिर 16 मंदिरों के श्री जी पालकी तथा चांदी के रथ और दो वृष रथ के साथ इस आयोजन को किया जा रहा है। संपूर्ण व्यायामशाला विधानसभा के सदस्य पंचायत समिति वर्तमान पंचायत समिति सभी स्वयंसेवी संस्थाएं और सभी व्यायामशालाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही। जय जिनेंद्र।